प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर लोकसभा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैलियों को संबोधित। कल बनासकांठा और साबरकांठा में विपक्ष पर किया था हमला। गठबंधन को मेरी चुनौती है कि घोषित करे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। ओबीसी के गढ़ हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह बोले, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इस बार हैदराबाद को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए करें मतदान। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। अमेठी और रायबरेली सीट पर राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर जारी है सस्पेंस। दोनों सीटों पर कल है नामांकन की आखिरी तारीख, आज हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री आरबी तिम्मापुर का विवादास्पद बयान। श्रीकृष्ण से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की तुलना करने का आरोप। बीजेपी ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।